हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला के दाल बाजार चौक से एक करियाना की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी करने के बाद चोर जब सुबह करीब 7 बजे दुकान से निकला तो उसे आसपास के लोगों ने पकड़कर खंभे से बांध दिया। दुकान मालिक के डायल 112 पर फोन करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद दुकान मालिक खुद चोर को पुलिस चौकी लेकर पहुंचा। दुकानदार ने बताया कि पकड़े गए चोर ने 2 से 3 दिन पहले भी उनकी दुकान में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस चौकी में चोर की ओर से माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद आज सुबह फिर से इस चोर ने दुकान में सेंधमारी की। दुकानदार ने बताया कि अभी तक चोर 70,000 का सामान गायब कर चुका है। पकड़े गए चोर को उन्होंने खंभे से इसलिए बांधा ताकि वो भाग ना जाए। वहीं पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़ा गया व्यक्ति दुकानदार के पास नौकरी करता था, जिसे दुकानदार ने कुछ दिन पहले काम से निकाल दिया था और ये दुकान के आसपास ही सो जाता था। आज भी सुबह वहां था तो लोगों ने इसे चोरी के अंदेशे में पकड़ लिया। खंभे से बांधे या मारपीट के मामले में अभी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। महेंद्र पाल सिंह, क्या मामला हुआ? दुकान हमारी धर्म सिंह प्रीतम सिंह दाल बाजार चौक पे पुरानी दुकान है हमारी। ये चोर जो है ये आगे 2-3 दिन पहले इसने चोरी की थी, इधर आया था पुलिस में तो उसके बाद जो है इसने क्या माफ़ी मांगी और छोड़ दिया गया। अब सुबह 5:30 बजे फिर इन्होंने तेल की बोतलें देसी की के डब्बे और कम से कम इस चोर ने हमारा 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया हुआ है। पिछले कई दिनों से ये कर रहा है लेकिन पकड़ने में नहीं आ रहा था। तो पड़ोस में बिल्डिंग बन रही थी सौरभ जी की, वो 4 मंजिली बिल्डिंग से ऊपर से चढ़ के और ऊपर से चढ़ के नीचे 4 मंजिली से जो है वो अंदर दरवाज़ा जो है तोड़ के अंदर घुसने के बाद फिर उसके बाद हमारे कैंची गेट के बीच में से सामान निकाला इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के। इसलिए उसके बाद जो है जो 4 मंजिली बिल्डिंग अंदर साथ में बन रही है ग्रामों वालों की, उसमें लेबर वालों ने इसको दबोचा सवेरे 7 बजे। 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद जो है उसके बाद हमने देखा दुकान पे उधर से दरवाजे ऊपर से टूटे पड़े और सामान बाहर बिखरा पड़ा उधर। ये पहले कई दिन से कर चुका था देसी घी के डिब्बे और कहीं कम से कम 60-70 हज़ार का नुकसान हो चुका है। तो पुलिस उनके खुद लेकर आए, पुलिस को हम जो है खुद वहाँ से हम दाल बाजार से लेके आए हैं। पहले इसने हमने 102 नंबर पर फ़ोन किया था उसको, उस वक्त इसको माफ़ी दे दी थी। माफ़ी देने के बाद इसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया। आज फिर यही काउंट करके इसने दे दिया है। हमारी यही पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इसको इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खंभे से ही बांध के रखा गया है? खंभे से बांध गया, बाजारों ने सुबह बांध दिया कि भाग ना जाए। ग्रामीण वालों ने सवेरे खंभे के साथ बांध दिया था कि ये भाग ना जाए। इस संबंध में अभी पता किया है मौके पे जाके, एक लड़का है संतोष कुमार सन ऑफ शंकर, मातो गांव आदर जिला मुजफ्फरनगर बिहार का रहने वाला है। ये इसके पास नौकरी करता था दुकानदार के पास, तो ये दुकानदार ने हटा दिया था कुछ दिन पहले, तो ये वहीं दुकान के आसपास वहीं सो जाता था। तो ये वहाँ कहीं आज सुबह वहाँ था तो आसपास के लोगों ने इसको पकड़ लिया कि भी ये चोर है, चोरी कर रहा है। लेकिन इसके बारे में पता किया है अभी भी, ये उनका नौकर है तो जैसे अभी नौकर उसको इसके उसको मालिक को बुलाकर महेंद्र सिंह को इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। कोई अगर इस संबंध में कोई चोरी का मामला सामने आता है तो शिकायत आने पर अवश्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में किसी ने अगर इसको पकड़ा है, खंभे से बांधा है तो मौके पे चौकी नंबर 3 के कर्मचारी गए थे, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन वो ले आए हैं अभी, उससे पूछताछ कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई इससे कोई मारपीट की है या कोई ऐसी वो की है तो उसके बताने पे इसके बारे में पता चलेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।